आज आप लोगों को नया बीट कैसे बनाते हैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो देर नहीं करते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि आप लोगों को एफएल स्टूडियो को खोल लेना है। खोलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को जैसे टेम्पो आप लोगों को 120 बनाना है तो 20 कर लेना है, अगर आप लोगों को 40 बनाना है तो 40 कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या कि यहाँ से हम एक डीजे बीट आप लोगों को बनाकर मैं बता देता हूँ कि कैसे काम करता है, कैसे सॉन्ग में कितना पार्ट का इसका डीजे बीट बनता है। तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डीजे बीट आप लोगों को बनाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक पैटर्न में भी बना सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो देखिए पैसेंट से बनाइएगा तभी सीख पाइएगा, ठीक है ना। तो हम एक किक ले लेते हैं, यहाँ से हम किक ले लिए, ठीक है, और ऐसे इसको हम लगा दिए, ठीक है ना। देखिए ऐसे हम इसको लगा दिए, ऐसे देखिए इसको रखिएगा तभी ये बैठेगा, जैसे एक दूरी पर रहा है उस तरह से। तो अगर ऐसे रहेगा तो आप बैठाइएगा तो बहुत सारे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसको कितना पर रखना। हमने जैसे एक बार में तीरा लग गई तो चला गया, लेकिन मेरे को पता था कि इसको जितना ऐसे करूंगा छोटा जैसे तो एक बार में 4 बीट आते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे है तो ठीक है, अब हमको ऐसे वाला से नहीं काम चलेगा, अब हमको इसको करना पड़ेगा ऐसे। तो देखिए हम लोगों को इसमें डीजे बीट बनाने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए बहुत तरह के बीट यहाँ पर बनते, जैसे ऐसे करके यहाँ पर लगता है, इधर बीच करके यहाँ पर भी लगता है, ठीक है, ऐसे करके भी लगाते हैं लोग, ठीक है। तो हम इन सबको डिलीट कर देते हैं इधर, बाकी एक क्योंकि देखिए एक ही पार्ट को हम बनाएंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ से, ठीक है ना, एक ही पार्ट को हम बनाते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं लूप मोड में, ठीक है। और एक ही को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, एक ही को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर इस पर चला गया जो कि घेरा गया लूप मोड में, इसको अपने हिसाब से इसको क्या कीजिएगा कि थोड़ा की टुक है उसको थोड़ा अपने से मास्टरिंग कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं अपने हिसाब से इसको कम। अब हम लोगों को क्या करना है कि ले लेना है यहाँ पर क्लर, ठीक है, यहाँ ढोलक ले लिए, ठीक है। और देखिए ढोलक ले लिए, उसके बाद देखिए दो तरह के हम लोगों के यहाँ पर बीट बनते हैं, ठीक है ना। इस तरह का ये पहला बीट बन गया और इसमें बहुत सारे जैसे लगाना पड़ता है, अगर आप लोग अगर लगाते हैं तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है। कौन चीज का कितना पर लगाना है, ठीक है, इसको थोड़ा आवाज हम कम कर लेते हैं। अब इसको करना है क्या कि सॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको लुक मोड यहाँ से हटा देंगे। बहुत से सारे सॉन्ग में आप लोग देखेंगे, हम थोड़ा सा ये यहाँ पर ले लेता हूँ बेस, ठीक है ना, बेस ले लेता हूँ, इसको यहाँ ऐसे कर दूंगा, इसको इस तरह से कर दूंगा। बेस कैसे बनाना है आप लोगों को, तो देखिए बेस कोड भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा माउस थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर ऐसे कर लेना है, देख लीजिए यहाँ से काले वाला का 3 छोड़कर और रेड वाला का 2 छोड़कर लगा देना, ठीक है ना। मतलब यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 7 से या तो 15 से, और यहाँ से बताइए इस तरह का। इसके बाद कर लेना है इस तरह का, ठीक है। ऐसे करने के बाद इसको पकड़ के इस तरह से कर लेना है, इसको मिटा देना है और वही, ठीक है, अपने अनुसार कर लेना है इसको, ठीक है। अब उसी के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे और शिफ्ट कर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मेरा देखो माउस जो है ना मेरा भाई काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन प्यार दुलार आप लोग नहीं मिलते हैं। अगर कोड कैसे बनाते हैं देख रहे हैं ना, ये दाब रहा हूँ तो एक दो हो जाता है, तो मेरा माउस इतना गड़बड़ चल रहा है। ऐसे कर देख रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल डाल के इसको सेलेक्ट किया हूँ, अब बस इसको सोच रहा ले जाओ फिर ये खत्म कर दे रहा है, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे वैसे तीर लेंगे, और इसको तीरने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता करना है कि मेरा जो
गाने के हिसाब से जो है कोड बेस बनता है, ठीक है, गाने के हिसाब से कोड बेस बनता है। तो आप लोगों अपने चुन लीजिए, क्योंकि तो मैंने देखिए यहाँ पर सी माइनर पे मैंने बना दिया, और इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऐसे करके लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करके बाद शिफ्ट को ऐसे प्रेस करूंगा और ऐसे करके कॉपी करके, ठीक है, इसमें थोड़ा आवाज लग रहा है कि हमको कम आ रहा है, तो इनको हम थोड़ा सा आवाज इसमें बढ़ा दें, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब क्या होता है कि म्यूजिक जब हम लोग ये स्टार्ट करते हो तो ये 4/8 का होता है, ठीक है ना, यहाँ पर 4/8/12 का म्यूजिक होता है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग दूसरा इसमें अब हम पैटर्न क्रिएट करेंगे, ठीक है, दूसरा पैटर्न क्रिएट, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा एक ब्रेक आएगा, तो आप लोगों के पास जो भी आप लोगों को ब्रेक होगा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं अगर बनाने लगूंगा तो ये मेरा फिर एक बड़ा हो जाएगा, तो हम इसी में से ब्रेक का यूज कर ले रहे हैं, इसी में से छोटा ब्रेक ले लेता हूँ, नहीं तो ब्रेक भी मैं आप लोग बना देता हूँ यहीं पर, जैसे ऐसे कर लेना है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ आपको गोल गोल घुराता रहा हूँ दूसरे यूट्यूबर की तरफ। और अब यहाँ से देखिए इसको कर लेना है इस तरह, और यहाँ पर इस तरह, ठीक है, इसको बजा के, ठीक है, बजा के हम देख लेते हैं, ठीक है, बजा के हम देख लेते हैं, इसके बाद, ठीक है, ऐसे इसको और इस पे हम इफेक्ट एक लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हम अगर हर जगह में जल्दी और जल्दी अगर बताएंगे तो आप लोग को तो थोड़ी नहीं है पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेक बनाने के लिए बन क्यों नहीं रहा है यहाँ पर, यही बात है, यहाँ पर हम इसको पूरा जूम कर नहीं रहे तो हमको बीट पूरा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, बीट हमको दिखाई नहीं दे रहा, अब इसको करेंगे तब ये जाके मेरा बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसको ऐसे करना है, एक में दो लगा लेना है, ठीक है, और अब इसका काउंट कर लेना है इसको इस तरह से, ठीक है, यहाँ कर लेंगे और ऐसे इसको यहाँ कर लेंगे, ठीक है ना, आप इसको बजाइएगा तब जाके है ना, अब इसको बनाइएगा तो एक सही आपको बजेगा, अगर यहाँ पर अगर इसको तीन ऐसे करके देखिए बजा के कान में आपको सुनना है इसको, ठीक है, या इस पे ऐसा डायरेक्टली लगा के, ठीक है, इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। अब हो गया कि अब सारे पार्ट वही रहेंगे, यहाँ पर सारे पार्ट यही रहेंगे, देखिए इस पर ये वो कोई इसमें से ले रहे हैं, और अब इसका जो है हम इसमें चेंज कर देंगे, अब चेंज करेंगे क्या आप लोगों को ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, इसमें चेंज क्या करेंगे, मैं यहाँ ढोला को चेंज कर दूंगा, अब इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया और इसको जो है 16 पे लगा दें, और इसमें थोड़ा सा जो ठीक था तो मैंने लगाया था उसमें ठीक जो लगाया था तो यहाँ लगाया था, अब ठीक यहाँ लगा, जैसे जो है सो ठीक है यहाँ लगाऊंगा, अब लेकिन अब इसमें हम लोगों को चाहिए छोटा ढोलक, छोटा ढोलक चाहिए तो हम ले लेते हैं, और घुंघरू को जो है सो यहाँ पर हम लगा देते हैं हर चीज के दो पर, ठीक है, और एक छोटा इसमें हम लोग ढोलक यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और साथ पे, अब इसको देखिए अब इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, इसको यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और ऐसे कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, जैसे जितना हम लोगों को चाहिए उतना, ठीक है, दूसरा ये मेरा तैयार हो गया, ठीक है, अब यहाँ से बजा कर फिर से दिखा देते हैं, अब अलग हो गया। अब आपको लगता है कि इसको हमको सेव करना है या क्या करना है, देखिए अगर इसको जैसे जैसे हम इसको टेम्पो अगर चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे इसका बीपीएम चेंज करेंगे उस तरह से ये अलग अलग पैटर्न, आपको गाना होगा उस लय पे आप
गा सकते हो इजिली, आराम से गा सकते हो। इसको देखिए मैंने इसको सेव कर दिया, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता है मेरे दोस्त, वो आप लोग इसको प्यार दुलार नहीं देते हो, तो थोड़ा सा मन में मेरा निगेटिव सा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो रोज बनाता। बीट ठीक, बीट लिख दिया, ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।